आज मसाला किचन में बन रहा है सरसों का साग। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। पंजाब का फेमस ये साग बहुत ही अमेजिंग बनता है और इसको बनाने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं उनके स्पेशल। कैसे इसे काटा जाए, कैसे इसे कड़वा ना किया जाए, कैसे इसे टेस्टी बनाया जाए, सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। इसे खाया जाता है खास मक्के की रोटी के साथ। मक्के की रोटी तो मैंने पहले आपको सिखाई है, आज हम साग बना रहे हैं, उसे हम कैसे बना रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ लिया है मैंने सरसों का साग, वो है पूरी एक गड्डी, करीब करीब एक केजी। और यहाँ लिया है थोड़ा पालक, मेथी और बथुआ। बथुआ के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो है क्या चीज़। मेथी और पालक को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बथुआ जो होता है ये सरसों के साग के आसपास की एक बेकार सी, जिसे बोला जाता है घास टाइप हरी सब्जी निकल आती है, लेकिन फिर भी वो इतनी पौष्टिक होती है कि उसका क्या कहना। तो ऐसे पत्तियों को तो जरूर यूज करना चाहिए। अब जो बारी आती है सरसों की, उसे हम कैसे बीनेंगे वो है खास बात। सरसों के नीचे इस तरीके से मूली के पत्तों जैसा होता है, तो जो नीचे पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं ना, उन्हें तो आप थोड़े हटा दीजिए, कम पत्ते रखिए। और जो ये डंठल है ना, इन डंठल को छीलना बिल्कुल ना भूलिए। ये जो मोटे मोटे डंठल है ना, इन्हें आप छीलेंगे ना, उसके बाद ये नरम से पड़ जाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी सरदारनी, जिससे मैंने सरसों का साग बनाना सीखा है। वो यही बताती हैं कि जितना स्वाद इन डंठल में होता है, उतना पत्तों में नहीं होता है, इसीलिए इसके पत्ते कम रखे जाते हैं। साथ में तीन चीज़ें और मिलाई जाती हैं, जैसे पालक, मेथी और बथुआ। ये डंठल बड़े नरम से हो जाते हैं और पकते भी फटाफट हैं। बिना प्रेशर कुकर के हम इसे बनाने जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। पत्तों को हम जो नरम नरम पत्ते हैं वो डालेंगे, जो मोटे पत्ते हैं जंगली टाइप उनको हम नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए सरसों के साग को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है और जो बेकार से बड़े बड़े पत्ते थे ना एक्स्ट्रा, उनको मैंने हटा दिया है। ये है हमारे पास बारीक कटी हुई पालक। मेथी हम बस एक मुट्ठी डालेंगे, एक से डेढ़ मुट्ठी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है बथुआ, बथुआ हम कम से कम दो मुट्ठी इसके अंदर डालेंगे। ये भी मैंने बिल्कुल पत्ते पत्ते भीने हैं और उसे काट दिया है, सारे डंठल हटा दिए। पर यूँ समझ लीजिए, जैसे एक किलो आप सरसों ले रहे हैं तो पाव डेढ़ पाव करीब करीब बथुआ होना चाहिए और बहुत थोड़ा सा मेथी और पाव डेढ़ पाव ही हमें चाहिए पालक। तो इस तरीके से कुल मिला के ये डेढ़ किलो के आसपास ये सारी सारी सब्जी हो गई है मेरे पास। ये बनने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर वगैरह नहीं डाले जाते। ये उन्हीं के तरीके से कैसे बनाया जाता है वो आज बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से पहले भी वॉश कर लिया है, अब चाहें तो एक बार इसको और एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब इस साग के साथ हमें चाहिए क्या, काफ़ी सारा लहसुन, कम से कम दो तीन बड़ी गांठ लहसुन की, जिससे मैंने छील लिया है। 10-15 हरी मिर्च ले सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कम कर सकते हैं, पर लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, जितना भी तीखा चाहिए हरी मिर्च ही डालिए। बहुत छोटे दो प्याज ले लिए हैं और अदरक काफ़ी सारा, 3-4 गांठ लिए हैं मैंने अदरक की। अब इन सब को भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। इन सारी सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया है, अब चलते हैं इसे बनाना शुरू करते हैं। चारों चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर लीजिए आप कोई भी हांडी, पतीला या भगोनी, आप कुकर में ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। कुकर में जब हम बनाकर उसमें सीटी लगाते हैं, उसमें कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है। ये खास ट्रिक है, आपको करना क्या होगा, कोई भी एक बड़ा सा बर्तन मोटा ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 गिलास के आसपास पानी। उस पानी को उबलने दीजिए। अब इसमें धीरे धीरे सारी हरी सब्जियां डालते जाइए। बीच में हमें क्या करना है, खूब सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ये डाल देना है। कुछ मैंने बचा के रखी हैं और कुछ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज नहीं डालना है। अब वापस से वही हरी सब्जियां हमें दोबारा डालनी है। सारी सब्जियों को मैंने एक साथ धो के रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अंदर तक दब जाएगी सारी सब्जियाँ।
अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच नमक, क्योंकि हम नमक बाद में भी यूज़ करते हैं और कई लोग इसमें खूब सारा अमूल मक्खन डाल डाल के खाते हैं, तो कई बार ऐसे में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इस समय नमक आप थोड़ा संभाल के डालें। यहाँ पे मैं देती हूँ आपको एक दूसरी ट्रिक। कुकर में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसे हम पूरा कवर भी नहीं करेंगे। पूरा यदि कवर करेंगे तो ये कसेला सा बनेगा। अगर हम आधा ढकेंगे तो ये कसेला कभी भी नहीं बनेगा। इस बहाने ढेर सारी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ आप सभी बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग होता है और कभी कभी बनाना तो जरूर बनता है इसे। सर्दियों में आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। बीच बीच में आप क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे इसी तरीके से, जिससे क्या होगा, ये आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है, अब ये बिल्कुल मैशी हो रहा है इसे दबाने से, तब हम इसे घोटना शुरू कर देंगे। कोई मैंने विसिल नहीं लगाई है, कोई मिक्सी में मैं इसे पीसने नहीं जा रही। जो घर में घुटनी होती है ना लकड़ी वाली, बस उसी से ही आप घोट सकते हैं। वैसे आप मिक्सी में कर सकते हैं, पर वहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से घोटा जाता है। पहले शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये घुटेगा कैसे, लेकिन आराम से ये सारा हो जाएगा। इसे कब तक घोटना चाहिए ये भी खास बात होती है। ये साग की तासीर जो होती है ठंडी होती है, लेकिन सर्दियों में इसी साग में ढेर सारा अदरक लहसुन हरी मिर्च डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी तासीर भी गर्म हो जाती है। ये देखिए कैसे ये घुट रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम इसे और बाइंडिंग लाने के लिए, बिल्कुल एक साथ जोड़ने के लिए क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ लिया मैंने 2 टेबल स्पून भर के मक्के का आटा, ये बेसन नहीं है, मक्के का आटा है। उसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे, इसे लम्प फ्री करेंगे। कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप जवारी का आटा डाल सकते हैं या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से ये साग बिल्कुल बाइंड होके एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें एक साथ न डालिए, एक एक दो दो चम्मच डालते जाइए और इसे घोटते जाइए। एक और बात, यहाँ गैस हमें बंद नहीं करना है, घोटते टाइम भी नीचे गैस पे ये पकता रहेगा। कम से कम आधा घंटा मैंने पहले पका लिया, उसके बाद मैंने घोटना शुरू किया, अभी भी ये गैस चालू है और ये पक रहा है, तभी ये बहुत ही बढ़िया बनता है कि ऊपर से ये घुटता जाता है और नीचे वो गैस से पकता जाता है, जिससे ये जो आटा हमने मक्के का आटा यूज़ किया वो कच्चा भी नहीं रहता। अब बचा हुआ सारा मैंने डाल दिया इस मिश्रण के अंदर और इसी को ही मैं घोटती चली जा रही हूँ। आप अगर इस तरीके से नहीं घोट पाएँ तो कोई बात नहीं, हैंडी से या मिक्सी से पीस सकते हैं। अब बारी आती है कि इसे हमें कितना पीसना है, क्या पहचान है कि हमने एक साग को पीस लिया है। पंजाब साइड वड़ी कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी मैंने दी है, सोया कैसे बनाया जाता है अमृतसर में खास तरीके से, तो उसकी भी रेसिपी मैंने दी है, सबकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे बनाकर देख सकते हैं, बहुत पसंद आने वाली है। इन सर्दियों में सोया को भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और खानी भी चाहिए। ये एक पहचान होती है, जब हम इसे घोटते हैं तो ये जब हम ऊपर उठा रहे हैं वो नीचे टपक नहीं रहा, यही इसकी पहचान है कि ये घुट चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं टपकेगा इस तरीके से आप ऊपर करेंगे तो। ये बिल्कुल खास पहचान है इसकी कि ये साग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से घुट चुका है। आप देख रहे हैं एक ड्रॉप भी नीचे नहीं टपक रहा है। बस अब इसे गैस से नीचे हटा दीजिए। अब बनाने वाले हैं इसका तड़का। यदि आप घर में बहुत ही कम मेंबर हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा तड़का बनाइए और थोड़ा थोड़ा साग जितना आज खाना चाहें उतना ही बस बनाइए। बाकी के साग को ठंडा करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, पर मैं तो इसे पूरा ही बना रही हूँ क्योंकि ये साग मैं सभी को खिलाती हूँ। तो आप सबसे पहले एक बढ़िया सी कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए शुद्ध घी। मक्खन डाल सकते हैं या शुद्ध घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर वहाँ पर जो बनाया जाता है इसी तरीके से बनाया जाता है। उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दीजिए लंबी कटी हुई हरी मिर्च और सूखी साबुत लाल मिर्च, ये ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अब इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए लहसुन, अदरक और प्याज। आपको लगेगा लहसुन अदरक तो हम पहले से ही डाल चुके हैं, लेकिन ये साग जो है ना इसी लहसुन अदरक के साथ भरा पूरा बनता है। बाकी का जो लग रहा है मुझे ज़्यादा, उसे मैं निकाल के अलग रख देती हूँ। अब इन सभी को हमें पकाना होगा।
इस साग में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, कोई हल्दी नहीं, कोई लाल मिर्च नहीं, कोई गरम मसाले नहीं, बस अदरक लहसुन हरी मिर्च और शुद्ध घी का इसमें बहुत अच्छा स्वाद होता है। ये प्याज लहसुन अदरक अच्छे से पिंक हो गया है। अब मैं एक टमाटर, सिर्फ एक सिंगल टमाटर डाल रही हूँ बारीक काट के। हालांकि पंजाब में कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, पर आपको यदि पसंद है तो डालें, नहीं पसंद हो तो पूरा ही स्किप कर सकते हैं। इस साग में कोई नींबू, कोई दही, कोई खटाई बिल्कुल नहीं डाली जाती, पर आप चाहें तो एक टमाटर डालें। मेरे घर में एक टमाटर ज़रूर पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ डाल दिया। अब इस टमाटर प्याज लहसुन अदरक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक और एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बाकी और कोई मसाला नहीं डाल रही मैं इसके अंदर। इस टमाटर प्याज सभी को थोड़ा सा घोट लीजिए अच्छे से करछी से, जिससे वो बहुत अच्छे से मैश हो जाए। अब ये जो घुटा हुआ साग है वो इसके अंदर डाल दीजिए। इस हांडी में भी काफ़ी सारा साग लगा हुआ है, थोड़ा सा गर्म पानी करके इस हांडी को सब तरफ से मिक्स करके, वो भी हम इसी के अंदर मिक्स करने वाले हैं। अब ये एक टमाटर है ना, वो पता भी नहीं चलेगा इतने सारे साग के अंदर। मैंने जो अपनी फ्रेंड के साथ सीखा था, उसने हमेशा एक टमाटर जरूर डाला है इतने सारे साग के अंदर। ये देखिए, ये हांडी में जो भी पूरा लगा हुआ साग है वो भी हम पानी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये पानी ठंडा ना डालें, ये उबाल कर ही डालें। ये बहुत ज़्यादा पतला साग नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है, जिससे ये रोटी के साथ खाया जा सके। आप चाहें तो पराठा बनाएं, ज्वार की रोटी बनाएं या फिर मक्के की रोटी। बस इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और चाहे तो मन चाहे जितना ऊपर से बटर डालकर खाना चाहें वो आपकी चॉइस है। बस इसमें हरी मिर्ची का ऊपर से जो तड़का लग जाता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में सलाद रखना बिल्कुल ना भूलें, प्याज टमाटर बहुत अच्छा लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल उठाएं तो ये गिरे नहीं नीचे, खास बात यही है। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, इस सर्दियों में इसे बना कर इंजॉय ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं।